नमस्कार दोस्तों, मैं खेतारा मेघवा टैक्स समुदाय में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो की बात करूं तो पिछले वीडियो में मैंने एक एमएस वर्ड की एक ऐसी ट्रिक बताई थी जिसके जरिए आप काफ़ी आसानी से अपने एमएस वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो मेरे इस वीडियो के टॉप में आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि वो वीडियो वहाँ पर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब आज की वीडियो की बात करूँ तो दोस्तों, आज भी मैं सेम ऐसी एक ट्रिक लेके आया हूँ एमएस वर्ड की, जिसके जरिए आप काफ़ी आसानी से अपने एमएस वर्ड के अंदर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल की। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपन चलते हैं अपने पीसी पे। दोस्तों, सामान्य रूप से जब भी हमें कोई एमएस वर्ड के अंदर लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, शेप पे जाके लाइन सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके की हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी जो लाइन है कुछ टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ हो रही है, तो उसको एकदम सीधा ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन सिलेक्ट करेंगे दोबारा, और इस बार हम शिफ्ट की प्रेस करते हुए कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी ये जो लाइन है एकदम स्ट्रेट ड्रॉ होकर आ गई है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी एम एस वर्ड के अंदर काफ़ी सारी ऐसी शॉर्टकट की होती हैं जिसके जरिए आप काफ़ी आसानी से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी अलग अलग स्टाइल के। वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले एक काम कीजिए, आप जो आपके कीबोर्ड के जो राइट साइड के जो न्यूमेरिक बटन है 0 से लेकर 9 तक, उसके एग्जिट बाजू में एक आपको प्लस का बटन दिखेगा, उस प्लस बटन के एग्जिट ऊपर आपको एक माइनस का बटन मिलेगा, उस माइनस के बटन को करीबन 4 से 5 बार प्रेस कीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो एम एस वर्ड के अंदर एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होकर आ गई। अब दोस्तों, आप चाहते हैं इससे थोड़ा थिकनेस वाला लाइन ड्रॉ करना है हमें, तो उसके लिए आपको इक्वल टू करीबन 4 से 5 बार प्रेस करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी जो सेकंड वाली जो लाइन है वो थोड़ी थिकनेस वाली ड्रॉ हुई है। अब दोस्तों, आप चाहते हैं इससे भी थोड़ा थिकनेस वाली लाइन ड्रॉ हो हमारे एम एस वर्ड के अंदर, तो उसके लिए आपको हेज प्रेस करना है करीबन 4 से 5 बार और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी जो थर्ड वाली जो लाइन है वो सेकंड वाली लाइन से भी थिकनेस वाली ड्रॉ होकर आई है। अब दोस्तों, आप चाहते हैं कि हमारी जो लाइन है वो डॉट डॉट के रूप में ड्रॉ हो, तो उसके लिए आपको स्टार बटन प्रेस करने है करीबन 4 से 5 बार और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे एम एस वर्ड के अंदर जो 4 नंबर की जो लाइन है वो डॉट डॉट वाली ड्रॉ होकर आई है। अब दोस्तों, आपके कीबोर्ड के जो टैब बटन है उसके एग्जिट ऊपर आपको एक बटन मिलेगा, उस बटन को आपको शिफ्ट की के साथ प्रेस करना है करीबन 4 से 5 बार और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो लाइन है कुछ इस तरीके की डिजाइन वाली बनकर आ गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी ये ट्रिक, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आज की मेरी ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक घंटी का आइकॉन शो करेगा, उस घंटी के आइकॉन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे फ्यूचर के जितने भी आने वाले वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन सीधा आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना कर सको। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।